हेलो यूट्यूब, मैं जॉनसन आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी फीमेल रैबिट की जब वो प्रेग्नेंट हो तो आप उसकी केयर कैसे कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं ये वाली फीमेल जो सी है, फीमेल रैबिट जो सी है, ये इस वक्त प्रेग्नेंट है। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसके पास कुछ कपड़ों के टुकड़े और ये टोकरी भी रखी हुई है। और इसके अलावा जो कि सर्दियां हैं, इसलिए मैंने इसको इसका केज जो सा है चारों तरफ से मैंने इसको महफूज कर दिया हुआ है सर्दी से। आप देख सकते हैं कि जो कि ये जब ब्रीडिंग करने वाली होती हैं तब ये बहुत ज़्यादा खाती हैं, बहुत ज़्यादा खाना पीना शुरू कर देती हैं, इसलिए मैंने इसको ये ड्राई फ्रूट भी दिया हुआ है और इसको ये बरसीम भी दी हुई है। आपने इनके खाने पीने का बहुत ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाना पीने लग पड़ती हैं, इसलिए आपने इनको इनके केज में पानी भी रखना है और आपने इनको खाने पीने की भी कोई कमी नहीं होने देनी। आपने ये नहीं करना कि आपकी फीमेल रैबिट प्रेग्नेंट है और आपने उसको यूं ही भूल गए और उसके पास खाना नहीं है तो वो वैसी भूखी बैठी हुई है। आपने उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है। अगर गर्मी है तो आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि उसको ज़्यादा गर्मी ना लगे। आपने उसको पंखे के नीचे या एसी के नीचे ले आना है तो आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा इसकी केयर करनी है। तो अगर सर्दियां हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी क्योंकि बेबीज़ उस वक्त बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा उनकी केयर करनी पड़ती है। उनके ऊपर बाल वगैरह तो होते नहीं हैं तो आपको उनको उनके लिए आपकी फीमेल रैबिट तो फिर भी सर्दी में सर्वाइव कर सकती है, लेकिन आपके जो से बेबीज़ बनीज़ होंगे वो आपके बेबी बनीज़ सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि वो एकदम बिल्कुल न्यू बॉर्न होंगे। तो आप उनको अगर उनको सर्दी लग गई तो वो बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, क्योंकि ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। क्योंकि एक दफ़ा मुझे ध्यान नहीं रहा जिसकी वजह से मेरे एक दफ़ा के बेबी बनीज मर चुके हैं सर्दी की वजह से। अगर गर्मी है तो आपने इनके हवा का बिल्कुल इंतज़ाम करके रखना है। आपने इनको उस जगह पर रखना है जहाँ पर इनको आराम से ठंडी हवा लगती रहे, और कुछ कपड़े या रुई के टुकड़े बिछा देने हैं। ये अपने फर भी उतारेगी। इसके अलावा आप इनको कुछ भी दे दें, इन्होंने अपने फर जब तक नहीं उतारेंगी ये ब्रीडिंग नहीं करती हैं। कई फीमेल रैबिट्स होती हैं, मेरी भी फीमेल रैबिट एक और है, वो अपने फर नहीं उतारती है, लेकिन जो सी दूसरी रैबिट्स होती हैं वो लाजमी आप उनको कुछ भी रुई के टुकड़े कुछ भी दे दें वो अपने फर ज़रूर उतारेंगी। तो आपने इस तरह इनकी केयर करनी है। सर्दी के वक्त आपने इनके जो सा केज है उसको पूरा ढांप देना और कोशिश करनी है कि आप इनको अपने कमरे के अंदर हीटर के पास ला कर रख दें ताकि इनके बच्चे जो हैं वो सर्दी से महफूज रहें। तो अगर आपके गर्मियाँ हैं तो आप उनके हवा का पूरा इंतज़ाम करके रखें, उनकी तरफ आप पंखे को कर सकते हैं, उनकी तरफ करके चला सकते हैं, या किसी भी तरीके से आप उनके तक हवा पहुंचा सकते हैं। शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।